हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा भारद्वाज। अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मुंबई का मोस्ट पॉपुलर तवा पुलाव। तो भाई, मुंबई की सड़कों पर तो ये बहुत ही पॉपुलर है। जिस तवे पर पाव भाजी बनती है, उसी तवे पर यह पुलाव भी बनता है, और उसी पाव भाजी मसाले के साथ। तो ढेर सारे टमाटरों के साथ ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा पुलाव बनता है, और इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो आइए बना लेते हैं मुंबई मस्त टोमेटो पुलाव। तो आइए फ्रेंड्स, बना लेते हैं मुंबई मस्त टोमेटो पुलाव। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप्स कुक्ड राइस, यानी कि 2 कप उबले हुए चावल हैं, और दाना खिला खिला है चावलों का, ऐसे ही होने चाहिए चावल। और साथ में हमने लिया यहाँ पे 8 टमाटर ले लिए हैं हमने, और मीडियम साइज के टमाटर है ये 8। तो साथ ही हम ले लेंगे कुछ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर 1 गाजर को बारीक बारीक कट किया हुआ है, और 1 है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इसे मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। 1/2 कप है मटर, और धनिया लिया है फ्रेश धनिया, ये हम लेंगे 1/4 कप। 2 हरी मिर्च को यानी कि ग्रीन चिलीज को मैंने इस तरह से स्लिट किया हुआ है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 टीस्पून है अदरक हमारे पास। और मसाले लेंगे तो 1 टीस्पून लेंगे हम नमक, या टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे नमक। कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून, इससे हमारा कलर अच्छा आएगा पुलाव में। और जीरा लेंगे 1 टीस्पून यानी कि क्यूमिन सीड्स। हल्दी लेंगे थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड करेंगे इसमें हम। और यहाँ पर है टोमेटो केचप यानी कि टोमेटो सॉस है, ये हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून। सबसे इम्पोर्टेंट मसाला हमारा है मुंबई मस्त पुलाव के लिए पाव भाजी मसाला, मुंबई मस्त पुलाव में ये जरूर डलता है। तो ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे पाव भाजी मसाला। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं पाव भाजी मसाला। तो आइए बना लेते हैं मुंबई मस्त पुलाव। तो सबसे पहले जो हमारे 8 टमाटर थे, उनमें से हम 3 टमाटर लेंगे, उनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और जो बाकी टमाटर हैं इनको हम पीस के इसकी फ्रेश प्यूरी बना लेते हैं, और इन तीनों को कट कर लेते हैं पहले। तो लीजिए, हमने कुछ टमाटरों को अपने कट कर लिया है, और कुछ टमाटर हमने पीस के इनकी फ्रेश प्यूरी बना ली है। तो अब हम पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी गर्म किया है हमने, और आप चाहें तो आप बटर में बना सकते हैं इसे। तो हमारा घी मेल्ट हो गया है, और आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर बटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून जीरा। तो हमारा जीरा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने अदरक जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है। 1 टीस्पून अदरक है हमारी, मिक्स कर देंगे इसको भी। अदरक भी फ्राई हो गई है, इसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी गाजर और मटर। ये गाजर को हमने बारी बारी चॉप किया हुआ था, और हमारी 1/2 कप मटर ऐड कर देंगे इसमें। तो गाजर मटर में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर देंगे। अब इनको कवर कर देंगे हम ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, हमें बहुत सॉफ्ट नहीं करना है इनको, थोड़ी क्रंची होनी चाहिए। मैं इसे कवर कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए। तो हम इसे कवर कर देते हैं बस 1-2 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे रखते हैं। हमने अपनी गाजर मटर को 2 मिनट के लिए कुक किया था मीडियम फ्लेम पे, कवर करके इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। सब्जियों को हमें बहुत सॉफ्ट नहीं करना, इसको बस थोड़ा क्रंची रखना है हमें, इसलिए हमने कैप्सिकम को बाद में ऐड किया है, क्योंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाती है बहुत ही। बस 1 मिनट के लिए इन्हें चला लेंगे तीनों चीजों को एक साथ। और इसमें आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, और मैं अपना पुलाव बना रही हूँ देसी घी में, आप चाहें तो आप ऑयल में बना सकते हैं। वैसे घी में जब बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप चाहें तो बटर में बना सकते हैं इसे। बस अब इसमें ऐड कर देते हैं अपने टोमेटो जो हमने कट किए हुए हैं, 3 टमाटर जो हमने चॉप किए हुए थे ये भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें चलाते रहेंगे इस तरह से, और हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए हमारे। तो टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया था चलाते हुए। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं,
तब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने मसाले। फ्लेम को लो करेंगे पहले और फिर ऐड करेंगे अपने मसाले। फ्लेम को लो कर दिया मैंने बिल्कुल। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, ऐड करूंगी बस 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें एकदम रेड चाहिए कलर अपने पुलाव का। और रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून। ये ऐड कर दिया मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट मसाला हमारा है पाव भाजी मसाला, जो कि हमारे पुलाव को बनाएगा, मुंबई मस्त टोमेटो पुलाव। ये हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे अपने मसालों को। और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई थी, फ्रेश टमाटर पीस के। मसाला मिक्स हो गया इसमें। अब हम इसमें अपना टमाटर जो पेस्ट बनाया था हमने, ये ऐड कर देते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। तो हमारा मसाला अच्छी तरह से भून रहा है। इसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी हरी मिर्च जो हमने स्लिट की हुई थी, 2 हरी मिर्च थी हमारी, उन्हें भी ऐड कर देते हैं। कुछ देर और कुक करेंगे इसको। तो टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट के लिए और कुक किया था। अब देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस समय, अच्छी तरह से कुक हो गया है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो केचप यानी कि टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे हम। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मिक्स कर दूंगी इसको। अपनी सब्जियों में 1/4 कप पानी ऐड किया था और आप देख सकते हैं कि इसे पानी के संग कुक किया था हमने, पानी ड्राई हो गया है और सब्जियां एकदम अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, बिल्कुल अच्छा थिक पेस्ट बन गया है, बिल्कुल टमाटो सॉस में लिपट गई है हमारी सब्जियां, देखिए बहुत ही मस्त लग रही है। इसमें हम ऐड करेंगे चावल। मुंबई का स्ट्रीट फूड है फ्रेंड्स, जैसे वहां पे पाव भाजी बनाते हैं उसी तवे पर वो उन्हीं सब्जियों के साथ और पाव भाजी मसाले के साथ चावल डाल के और उसको मिक्स कर देते हैं और ये हमारा बन जाता है उनका मुंबई टोमेटो पुलाव। तो उसी तरह से बना रहे हैं हम। इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने राइस। जब चावल ऐड करेंगे इसमें तो चावल हमारे खिले खिले हों एकदम, तभी हमारा जो पुलाव है अच्छा बनेगा। बस चावल ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे हम। तो बस अब इसे हम हाई फ्लेम पर मिक्स कर देंगे, एक तरह से इसको बस सॉस करना है हमें, हल्के हाथ से करना है, ओवर मिक्स नहीं करिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिल्कुल मैश हो जाए। जो हमने टोमेटो सॉस बनाई है इसके संग बस मिक्स हो जाएंगे ये। तो लीजिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अपने चावलों को टोमेटो सॉस के साथ और देख सकते हैं बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है और बिल्कुल मॉइस्ट भी है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, गैस ऑफ कर देती हूँ मैं। बस धनिया ऐड कर देते हैं और बहुत ही टेस्टी इसे पुलाव को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी मुंबई मस्त टोमेटो पुलाव और फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बना है, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हर बार आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा, इस मस्त टोमेटो पुलाव को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।